नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो एक रिलीफ मेजर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और कोविड 19 के दौरान इस पेंडेमिक की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 जुलाई को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया। मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप बताना चाहूंगा इस रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम का। 1 अप्रैल 2020 से सेक्शन 25 में जो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हैं उसमें एक अमेंडमेंट आया, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना चाहेंगे तो उसमें आपको अब आधार से लिंकिंग करवानी पड़ेगी। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि जब से हम पिछले 36 महीने से जब से कानून आया, हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते थे, काम करते थे, फेक बिल्स इशू करते थे और उड़ जाते थे, और सरकार उनको कैच नहीं कर पाती थी, उन लोगों को पकड़ नहीं पाती थी। बाद में बहुत प्रॉब्लम्स नजर आई, इंटेलिजेंस ने बहुत सारा काम किया लेकिन कोई रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं निकल के आए, और बहुत सारे फेक इनवॉइसेस के रैकेट्स को देखा गया, पकड़ा गया। लेकिन अभी भी बहुत सारा बिजनेस जो है इकोनॉमी में सरकार समझती है कि हो रहा है, तो उसको कर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि आप जब भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आप अपने आधार से लिंकिंग करवाएंगे। अब समस्या क्या है कि बहुत सारे जो प्रोप्राइटर्स थे या बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे, उनके आधार का केवाईसी नहीं हुआ था। 1 अप्रैल से ये प्रोविजन लग गया। अब 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया नेशन वाइड, तो केवाईसी नहीं हो पाया। अब जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए थे लोगों ने ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑल्सो, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पाए क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। तो एक वन टाइम स्कीम निकाली सरकार ने कोविड 19 को देखते हुए। फिर से एक बार उन्होंने कहा कि ऑफकोर्स ये प्रोसेस इजी है, इजी था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बेटर बनाना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे जो इस तरह के अनस्क्रपुलस एलिमेंट्स हैं जो कि देश में फर्जी बिलों का धंधा करते हैं, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक वन टाइम स्कीम निकाली है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास 30 जून तक के जितने भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होंगे, एप्लीकेशन पेंडिंग होंगी, हम उनको 15 जुलाई तक डीम्ड अप्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिक अप्रूव कर देंगे, और उसके बाद 28 जुलाई तक भी जो हमारे पास होंगे उसको 31 जुलाई तक हम डीम्ड अप्रूव कर देंगे, भले ही वो केवाईसी उनका ना हुआ हो, भले ही आधार से लिंकिंग ना हुई हो, बगर बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी है तो आधार वाला जो इशू है, क्योंकि कंसिडरिंग दी प्रेजेंट सिचुएशन इन दी इकोनॉमी, इन दी कंट्री, इन दी वर्ल्ड, हम लोग एक वन टाइम ये फैसिलिटी देंगे। मैं समझता हूं कि एक वेलकम मेजर है। हालांकि बहुत सारे हम लोग जो है एक्सपर्ट्स जो है इसके बैकड्रॉप में इसकी लीगल वैलिडिटी, सैंक्टिटी, इंस्ट्रक्शंस जो है वो लॉ को कैसे ओवररूल कर सकती हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि एक वेलकम मेजर है, एक रिलीफ मेजर है। जो भी एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने जो धंधा नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और 31 जुलाई तक वो सारे ऑटोमेटिक अप्रूवल या डीम्ड अप्रूवल कहेंगे उनको, वो हो जाएंगे। 31 जुलाई के बाद फिर से जो सेक्शन 25 में जो आधार वाला लिंकिंग था या जो भी फॉर्मेलिटीज थी उसका वो रीस्टार्ट हो जाएगा, वो प्रोसेस रिज्यूम हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रॉपर ऑफिसर जहां भी उसे लगेगा कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन भी होनी है, तो इनकी वो फिजिकल वेरिफिकेशन फ्यूचर में कर सकता है, लेकिन अभी ऑटोमेटिक अप्रूवल इसको कर दिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।